अवैध रूप से शराब ले जा रहे दो युवक गिरफ्तार। जबलपुर पुलिस ने अवैध रूप से शराब लेकर जा रहे दो युवकों को गिरफ्तार किया है। गोहलपुर थाना प्रभारी आरके गौतम ने बताया कि इनके पास बड़ी मात्रा में शराब के 192 पाउच जब्त किए गए हैं। गोहलपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाईपास से दो युवक चांडाल भाटा के पास ऑटो से उतरे हैं, जिनके पास शराब की बोतलें मौजूद हैं। पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए चांडाल भाटा के पास से तुषार पटेल और राजा चौधरी को पकड़ा। दोनों युवकों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने सिवनी जिले से शराब लाना कबूल किया। पुलिस ने युवकों के पास से बैग में गोवा ब्रांड की शराब जब्त की। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत दोनों पर मामला पंजीबद्ध किया है। कल रात्रि में, जैसे कि हमारे यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय का आदेश है कि रात्रि में विभिन्न चौराहों पर चेक गश्त लगाई जाती है, तो इस दौरान हमारी टीम ने, उसमें उप निरीक्षक सरनाम सिंह, प्रधान आरक्षक राघवेंद्र वगैरह ने कल दो लड़कों को ऑटो से उतरते पैदल जाते हुए देखा। जहाँ पर चेकिंग चल रही थी, ऑटो वाला भाग गया था और वो दो लड़के उतारे जो बाईपास तरफ से आ रहे थे। तो चंडाल भाटा में दो लड़कों को पकड़ा, एक तुषार पटेल है, दूसरा राजा चौधरी। ये भानतलिया बेलबाग थाना क्षेत्र के हैं। तो इनसे 192 पाव गोवा शराब जब्त की है। इनसे पूछताछ की गई तो ये सिवनी से लाना बताए कि हम ये बाईपास के पास उतर गए थे और वहाँ से ऑटो से आए थे, तो पुलिस दिखी तो ऑटो वाला भाग गया और हम लोग यहाँ पकड़ गए। ये 25,000 रुपये करीब की शराब है, ये करीब 38-39 लीटर दारू है। ये कहाँ से लाकर, ये बताए कि हम सिवनी से लाते हैं, अपने क्षेत्र में बेलबाग में बेचते हैं, ऐसा इनका कहना है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229।